रामकृष्णन जी और वेणुगोपाल जी के साथ में रामकृष्णन जी के फार्म पर हूँ। एक बड़ी नई चीज, अद्भुत चीज यहाँ पर आज देखने को मिली, सीखने को मिली। ये नींबू आप देख सकते हैं, इस नींबू को जो खेत के अंदर का वेस्ट हो गया है, राइप हो गया है, गिर गया है, वो नींबू और उसके अलावा का भी नींबू का वेस्ट पानी के साथ मिक्स करते हैं और 40 दिन उसको इस ड्रम में रखते हैं और उसके साथ में एक चीज मिक्स करते हैं, रामकृष्णन जी बताएंगे। नमस्कार, ये सिट्रिजेम बोल के ये सिट्रस फ्रूट से, हमारे नींबू फ्रूट से एंजाइम बनाने का तरीका है जो हम करते हैं। इधर हमारा बचा हुआ नींबू से ये बैक्टीरिया ये सब डाल के और 40 दिन का एक फर्मेंटेशन सिस्टम करके इससे ये बनाते हैं। हम जो पूरा नींबू यूज करके बनाते हैं वो जो ये गोल्डन लिक्विड जैसा आता है जिसको हम सॉयल एप्लीकेशन ड्रिंचिंग से कर सकते हैं या ड्रिप से 5 लीटर 1 एकड़ के लिए बेचते हैं और स्प्रेइंग भी करते हैं। इससे क्या होता है कि ये एंजाइम होने से ये प्लांट का अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये सब बहुत अच्छा होता है और इससे दूसरा क्या है कि अच्छा फ्लावरिंग देता है, इट एक्ट्स एज ए फ्लावरिंग बूस्टर। तीसरा कि ये सकिंग पेस्ट कॉम्प्लेक्स को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इनिशियल स्टेजेस में जो नाइट्रोजन ज़्यादा होने से जो सकिंग पेस्ट शुरू होता है उसमें से ये ऑर्गेनिक मेथडोलॉजी से सकिंग पेस्ट को, जो मिली बग हो, एफिड्स हो, जासिड्स हो, थ्रिप्स हो, सबको ओवरऑल कंट्रोल बहुत अच्छा से करता है। सो इसका 4 एडवांटेजेस है। सो एक एंजाइमेटिक एक्शन है, फ्लावरिंग है, न्यूट्रिएंट है और पेस्ट रेसिस्टेंस। ये जिस तरह से कोविड में अभी बूस्टर दिया गया है, ये उस तरह से ये एक बूस्टर का एक नया तरीका देखने को मिला है जो नींबू से बनाया जाता है। नमस्कार।